अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रिक्शन प्रोटोकॉल NFT जो है हमारे पास, उसका एक न्यू टोकन है जिसका नाम सैंडबॉक्स लैंड है। हाई सैंड 33 टोकन का नेम है। इसकी सेल ओपन की गई है कुकन एक्सचेंज के अंदर। ये फोर्थ कुकन फ्रिक्शन NFT की सेल है। पहले 3 टोकन की सेल ओपन हो चुकी थी। अब इसके अंदर आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसकी जो टाइम है वो हमारे पास 23 अगस्त है। कैसे पार्टिसिपेट करके यहाँ से टोकन जो है सेल के अंदर आपने बाय करने हैं, और जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उसको सेल करके वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है। तो ये फ्रिक्शन प्रोटोकॉल की ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है कुकन एक्सचेंज के अंदर ओपन हुई है, जहाँ पर हमारे पास इसकी जो डेट है वो 23 अगस्त को 10 UTC टाइम है। ये इसके अंदर आपने 5 ऐड करना है, जो 3 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको मिलने वाला है। जिधर उन्होंने बता दिया कि हाइएस्ट टोकन जो है इसकी सेल ओपन की जाएगी। ये लिमिटेड सेल है हमारे पास, इसकी टोटल सेल है 7.7 मिलियन टोकन की, मतलब 70,15,500 टोकन की लिमिटेड सेल है। इससे ज़्यादा टोकन की सेल नहीं की जाएगी, सिर्फ इतने टोकन जो है वो सेल के अंदर आपको दिए जाएंगे। अब एक सैंड बॉक्स लैंड के जो प्राइस है वो हमारे पास इधर हमारे पास 1,00,000 हाई सैंड 33 टोकन है सैंड बॉक्स लैंड की। एक लैंड बॉक्स का NFT जो है वो इतने टोकन के इक्वल है। ये एक फंजिबल टोकन सेल है, मतलब NFT से की सेल है। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो हमारे पास ओपन होगा 3 बजे 23 अगस्त को, और इसने चलना है 24 अगस्त को, मतलब आपके पास 24 घंटे होंगे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन जो सेल है वो इसकी आपके 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आपने 23 अगस्त 3 बजे एक्टिव रहना है, उस वक्त ही आपने इसके अंदर बाय कर लेना है। टोटल इनिशियल सप्लाई जो है हमारे पास वो 8 मिलियन है। इधर काफ़ी कम है इसकी टोटल सप्लाई जो है वो काफ़ी कम है। हाई सैंड टोकन जो है वो 33 वो जो है एलोकेट जो किए गए हैं फ्री के तौर पर, वो हमारे पास इधर 2,84,500 हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मिलने वाले कुछ टोकन जो एयर ड्रॉप के तौर पर इन्होंने देने थे उनको, और ये जो टोकन इधर हम इन्होंने सेल के अंदर लगाए हैं, ये सभी मिक्स करके मतलब दोनों को ऐड करके 2,84,500 हाई सैंड टोकन बन रहे हैं, जो कि एलोकेट किए गए हैं फ्री रिवार्ड के तौर पर। इसको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो ऑप्शन है इसका पार्टिसिपेट करने के लिए, सबसे मेन चीज़ क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके अलावा इनकी ऑनगोइंग प्रमोशन भी चल रही है, जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया। 1,50,000 साई सैंड टोकन फ्री एयर ड्रॉप है, इसकी वीडियो भी लादा आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर, पहली या दूसरी वीडियो होगी जो कि आप वॉच कर सकते हैं, और 150 हाई सैंड टोकन का जो एयर ड्रॉप है वो भी हासिल कर सकते हैं फ्री में। फ्रिक्शन प्रोटोकॉल के बारे में उन्होंने बताया कि ये क्या है। फ्रिक्शन प्रोटोकॉल NFT बेस्ड एक प्रोजेक्ट है कंप्लीट इनका, जिसके अंदर काफ़ी सारे टोकन्स हैं। इनके 2-3 टोकन पहले भी कुकन के अंदर लिस्ट हो चुके हैं, जिनकी सेल भी ओपन हुई थी, और जिन्होंने सेल के अंदर बाय किया था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ जब ये लिस्ट किया गया था। इस टोकन की सेल भी ओपन है और इसने लिस्ट भी हो जाना है कुकन एक्सचेंज के अंदर, वहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग जो हमारे पास स्टार्ट होगी 24 अगस्त को 10 बजे UTC टाइम है। 3 ऐड कर लेने हैं, 5 ऐड कर लेने हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 24 अगस्त को 3 बजे इसकी ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी एक्सचेंज के अंदर, तब आप इसको सेल कर सकते हैं। बाय आपने अभी करना है प्री सेल के अंदर। तो आपने अगर फ्री रिवार्ड को ज्वाइन कर ज्वाइनों के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन अगर आपने इसकी सेल को ज्वाइन करना है तो आपने सब्सक्राइब नो का ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर कर लेना है क्लिक। अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होता है, तो जैसे सब्सक्राइब नो के ऊपर क्लिक किया आपने, ये वाला आपके पास कंप्लीट पैनल ओपन हो गया। नीचे अभी चेक करें आपके पास बाय नो का बटन जो है अभी तक ब्लर नहीं हुआ, मतलब ब्लर है अभी तक। जब ये इस तरह आपको बाय नो का ऑप्शन मिल रहा होगा तब आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। इसको अभी 19 घंटे रहते हैं, मतलब कि 20 घंटे रहते हैं टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए। लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगी तब इसको आपके पास 4 से 5 घंटे रह रहे होंगे या इससे ज़्यादा 10 से 12 घंटे रह रहे होंगे। तो आपने इस टाइम को कैलकुलेट करना है और इसी टाइम के अंदर इसके अंदर एग्जैक्टली एंट्री लगानी है। इसके थोड़ा आधा घंटा भी लेट करते हैं तो काफ़ी सारे टोकन जो है लिमिटेड सेल कंप्लीट हो जाएगी। अगर टोकन की प्राइस की बात करें तो 0.035 USDT का आपको एक टोकन मिलेगा। जितने टोकन आप बाय करना चाहते हैं इधर से बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं इसी वीडियो के अंदर। मतलब कि इधर आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स कोई भी नहीं है इधर। सिंपल आप जितनी बाय कर सकते हैं उधर से आप बाय कर लें टोकन को, जो अपने को प्रोसेस मैंने बताया सब्सक्राइब नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। क्योंकि इधर अपनी अभी तक उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखाई, लेकिन टोटल लिमिट इसकी है कि इतने टोकनों के, लेकिन एक यूज़र के लिए कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपके पास बजट है आप उतना इधर से बाय कर सकते हैं, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने वाला है इस टोकन के अंदर। मेरा तो यही है, मतलब कि मेरा अपना कंसेप्ट यही है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देगा ये टोकन। क्योंकि अगर हम हाई एंस 4 टोकन की बात करें या उसके अलावा हाई पंक्स की बात करें, इस तरह 2-3 टोकन जो थे इनके फ्रिक्शन प्रोटोकॉल के, उन्होंने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है जब वो लिस्ट किए गए थे मार्केट के अंदर कुकन एक्सचेंज के अंदर। इसकी बकायदा ट्रेडिंग ओपन हुई थी, तो इस टोकन ने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देना है क्योंकि इसकी सेल ओपन हुई है पहले, उसके साथ इसका एयर ड्रॉप भी किया गया है।
एयर ड्रॉप के अंदर भी हमें टोकन दिए गए हैं। जिन्होंने एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट किया है वो एयर ड्रॉप से भी टोकन हासिल करेंगे, जिन्होंने इस सेल के अंदर पार्टिसिपेट करना है वो सेल से भी टोकन लेंगे। और जब ये लिस्ट किया जाएगा तो हमें वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, जो कि क्योंकि अगर लिस्ट होता है तो हमें काफ़ी अच्छी इसकी ट्रेडिंग ओपन होगी, तो काफ़ी अच्छा पंप रहेगा मार्केट के अंदर। लेकिन आपने इसको फ़ौरन से सेल कर देना है, जिस तरह आज एक टोकन मैंने शेयर किया आपके साथ स्टेप वॉच का, उसकी प्राइस जो है एकदम मतलब पंप हुई है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही उसके काफ़ी 2x 3x पंप हुई है। उसके बाद दोबारा मार्केट क्रैश होने के साथ साथ मतलब मार्केट जो है मार्केट कॉइन मार्केट कैप की प्राइस के इक्वल हो गई है। इसलिए आपने लालच नहीं करना, आपने जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा आपने वो सेल करके अपना प्रॉफिट टेक ऑफ कर लेना है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्क भी होता है, क्योंकि मार्केट क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिस्क भी होता है। कोकोइन एक्सचेंज ने खुद एक रिस्क वार्निंग भी दी हुई है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने अपने ओन बेस के ऊपर करनी है, कोकोइन इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती है जब कोई प्रोजेक्ट स्कैम करता है। अब ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर इसकी सेल ओपन हुई है, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब इसको कोई भी है जो रनिंग नहीं कर रहा। इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो स्कैम बहुत कम करते हैं, स्कैम तो अवल तो स्कैम का ऑप्शन ही नहीं है इनके अंदर, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी ये वाली। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि ये सेल की जो आपको समझ आ चुकी होगी, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आंसर कर दूंगा उसका। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।